दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका समय का भी बचत होगा और पैसा भी बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम आपके साथ एक टिप्स शेयर कर रहे हैं। टिप्स बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा। किचन में काम करते समय इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान दें तो हमारा किचन एकदम साफ सुथरा रहेगा, भोजन भी शुद्ध एवं स्वच्छ बना रहेगा। तो किचन की इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सा टिप्स है जिसे हमें फॉलो करना है। जब भी हम पूड़ी या कचौड़ी कोई भी तेल तला भुना चीज़ बनाते हैं तेल से बनी हुई, तो वह हम ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं जिससे हमारा बहुत ही नुकसान होता है। पूरे पतीले में इस तरीके से रख देते हैं पूड़ी हुई या फिर रोटी भी इसी तरीके से रख देते हैं जिससे जो भाप होता है भाप से पसीज जाता है और हमारी रोटी या पूड़ी ख़राब हो जाती है जो कि खाने लायक नहीं रहती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपकी रोटी एकदम सही से बनी रहेगी। पूड़ी या कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसे इसी तरीके से आपको रखना होगा। सबके किचन में टिश्यू पेपर होता नहीं है। टिश्यू पेपर कोई कोई लोग रखते हैं, कोई कोई नहीं रखता है। हर समय टिश्यू पेपर नहीं रहता है घर में। तो आपके पास न्यूज़पेपर है तो कभी कभी होता है कि किसी किसी के घर में न्यूज़पेपर भी नहीं होता है, तो इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। यदि आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो कागज़ तो होगा, इस टाइप का कागज़ तो होगा, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से जब भी पूड़ी या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसी तरीके से रखते हैं। हमारी पूड़ी या पकौड़ी कभी भी ख़राब नहीं होती है, एकदम ताज़ी बनी रहती है। तो इस तरीके से आपको कागज़ लेना है यदि न्यूज़पेपर नहीं है तो, और यदि आपके पास टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। इससे आपके पूड़ियों में ज़्यादा तेल भी नहीं रहेगा पकौड़ियों में, जो कि तेल बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जिस बर्तन में आप पूड़ियाँ या पकौड़ी तली भुनी चीज़ रख रहे हैं उस बर्तन में आपको इस तरीके से अच्छे से पेपर लगा देना है। यदि न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर लगाइए, नहीं तो इसी तरीके से आपके घर में कागज़ के किताब के कुछ पन्ने होंगे उसका प्रयोग करके आप इस तरीके से चारों तरफ फैला दीजिए। अब हम इसमें पूड़ियाँ रखेंगे या पकौड़ी रखेंगे तो हमारा तेल भी जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो कागज़ सोख लेगा और बाकी पूड़ियाँ भी सुरक्षित बनी रहेंगी, वो पसेजेंगी नहीं, अच्छे से बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये रहा आज का टिप्स। आज का टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।